स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो के अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे। जो आयनिक कंपाउंड है वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, क्या रीजन होता है उसके पीछे। बेसिकली हमें यहाँ पर आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनके बारे में पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म क्यों होते हैं, किस रीजन की वजह से होते हैं। तो देखिए, जब भी कोई एलिमेंट होता है, हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं सोडियम। एटोमिक नंबर होता है सोडियम का 11। आप जो कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं KLM। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इसमें कितने आएंगे, 1 और इसमें 1। ऐसा ही करते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जिसके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, चाहे तो L में आ जाए या फिर M में आ जाए, अगर उसका ऑक्टेट कम्प्लीट है तो वो हाईली स्टेबलाइज है। ठीक है, अब इसका ऑक्टेट कम्प्लीट यहाँ हो गया, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है, फालतू हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करे, या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तब ये स्टेबिलिटी हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट एक रूल होता है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, जो ऑक्टेट रूल है ये कहता है कि अगर जो आउटर मोस्ट कॉन्फिग्रेशन है या फिर लास्ट जो सबशेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो स्पीसीज हाईली स्टेबल रहेगी, हाईली स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, इस अपने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो एलिमेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन है वो शुरू कर देते हैं। तो अब आप खुद से बताइए मुझे कि यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन ले लें इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा इजी है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो सोडियम है, ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन थे, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव के अंदर। 1 इलेक्ट्रॉन देते क्या बचेगा इसके पास, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन था इसका 2 8 1 और अब क्या बचा, 2 8, स्टेबिलिटी बढ़ गई है ना। जब भी 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हमेशा उस स्पीसीज के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गया है तो 1 पॉजिटिव, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 पॉजिटिव, अगर 3 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से चलता है। अब देखिए, इसका जो साइज है सोडियम का वो किस तरीके से था, ये मान लो न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये के हो गई, ये एल और ये एम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कितने बची, ये न्यूक्लियस, ये के और ये एल, दो ही शेल बची। साइज किसका छोटा है और किसका बड़ा है, यानी हमेशा जो पॉजिटिवली चार्ज आयन रहेगा उसका साइज छोटा रहेगा। ये बात दिमाग में बिठा ले साइज के फैक्टर के लिए, कि हमेशा उस आयन का साइज हमेशा छोटा रहेगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब यहाँ पे देखने से ही पता चल रहा है साइज का छोटा चला गया है ना। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, जो सोडियम पॉजिटिव है इसका साइज कम रहेगा एज कम्पेयर टू Na। यहाँ पे साइज फैक्टर भी बताया है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम लेके चलते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, आपको एटॉमिक नंबर याद रखने पड़ेंगे। तो KLM करें अगर, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और इसमें कितने आ जाएंगे, 2। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे तब ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या फिर इन दो को ये दे दे तो ये पीछे वाला ऑक्टेट इसका कंप्लीट रह जाएगा, और ऑक्टेट कंप्लीट होते ही ये हाईली स्टेबलाइज हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन ज़्यादा सुटेबल है इस केस के अंदर, देखिए ये क्या करेगा, 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 2 कॉन्फिग्रेशन है, ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा और क्या गेन करेगा, कॉन्फिग्रेशन 2 8, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए ना इसने, तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। तो जब भी हम कंपाउंड वगैरह बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उस टाइम पे हमें ध्यान यही रखना पड़ेगा कि किस एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज आता है। किसी पे 1 पॉजिटिव होता है, किसी पे 2 पॉजिटिव होता है, किसी पे 3 पॉजिटिव होता है, किसी पे नेगेटिव भी होता है। अभी मैं नेगेटिव के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तो ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, ताकि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन कर सके। इसी तरीके से अगर देखिए, मैं यहाँ पर लेके चलती हूँ फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर होता है इसका 9, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, KLM के अंदर 2 और 7, M तो है ही नहीं इसके अंदर, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 2 तो यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, 7 और 2 9 हो गए कंप्लीट। अब ये क्या करे, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे जब इसका डुप्लेट अंदर कंप्लीट आ जाएगा, या फिर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेता है
तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब तक तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, अभी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, किसमें कन्वर्ट होगा, एफ नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन लिया है, गेन किया है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो हमेशा कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे था इसका 2 और 7 कॉन्फिग्रेशन, नो एटॉमिक नंबर था, और यहाँ कितना हो गया, 2 एंड 8। ऑक्टेट कंप्लीट होते के साथ हाईली स्टेबिलिटी इसने गेन कर ली, हाईली स्टेबलाइज हो चुका है ये। तो एफ जो है फ्लोरीन को सिम्बलाइज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लेके एफ नेगेटिव के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। अगर कभी भी नॉर्मल एलिमेंट और नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट में कंपेयर करवाया जाएगा तो हमेशा जो नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट होता है उसका साइज ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, ये इलेक्ट्रॉन आके इनके साथ लड़ाई झगड़ा करने लग जाएगा, इंटर एटोमिक रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाती है इनके बीच में, जिस वजह से साइज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, और इसी वजह से जो एफ नेगेटिव है इसका साइज ज़्यादा रहेगा फ्लोरीन के कंपेरिजन में। क्लियर, मेन चीज क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रॉन उसके लिए एक दो लेने पड़े, चाहे एक दो इलेक्ट्रॉन देने पड़े, मेन हमारा ऑक्टेट के ऊपर फोकस है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो जब भी हम आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, तो उससे पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि एल्यूमिनियम जो है कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो कितनी पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव किसके अंदर रहेगा। साथ ही साथ आप मुझे बताएंगे जो क्लोरीन होता है ये कब स्टेबलाइज होगा। क्लोरीन रहने दें, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऑक्सीजन कंसीडर करें, ठीक है। तो इन दो, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसका होता है 8, ये दोनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आयनिक बॉन्ड हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।